आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ एमसीबी के टाइप्स के बारे में, जो रहने वाला है बेस्ड ऑन ट्रिपिंग कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर। तो गाइज, ये वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है एज ए इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। इस वीडियो को आपको शुरू से अंत तक देखना चाहिए। और गाइज, इस टॉपिक से रिलेटेड या फिर आपके पास इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का कोई भी सवाल हो तो प्लीज़ गाइज कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलें। सबसे पहले मैं आपको ट्रिपिंग का क्या कंडीशन होता है उस चीज़ को मैं समझाता हूँ। इसके बाद मैं जब आपको बताऊँगा टाइप्स के बारे में तो आप जो है बहुत अच्छे तरीके से इस चीज़ को कोरिलेट कर पाएंगे। तो सबसे पहले ट्रिपिंग के बारे में बात करते हैं। हमारा जो एमसीबी होता है ये टोटल चार टाइप का है, बी टाइप, सी टाइप, डी टाइप और के टाइप। इंडस्ट्रियल में हम लोग जो है सी टाइप का एमसीबी का यूज़ करते हैं। तो ये जो एमसीबी का ऊपर लिखा हुआ रहता है बी सी डी के, आखिर ये क्या है, ऐसा सवाल जो है आपके मन में आया होगा। तो गाइस देखिए, ये जो बी है सी है, ये जो है एक स्पेसिफिक ट्रिपिंग का रेंज को जो है दर्शाया जाता है। यानी कि हमारा बी टाइप का एमसीबी कितने टाइम्स करंट लेगी उसके बाद ट्रिप होगी, और ट्रिप होगी तो ट्रिप होने में कितना टाइम लेगी। तो ये बी टाइप का जो है उसका टाइमिंग अलग है, सी टाइप का अलग है, डी टाइप का अलग है और के टाइप का अलग है। अब मैं आपको एक एक करके सभी के बारे में बताता हूँ। सबसे पहला जो आता है वो है बी टाइप एमसीबी। ये बी टाइप जो एमसीबी है ये हमारे फुल लोड करंट का 2 से 3 तक का करंट जो है झेल सकती है। यानी कि अगर हमारे मोटर का फुल लोड करंट है 10, तो ये जो है 30 एम्स तक जो है करंट को ड्रॉ करेगा जब तक इसमें, तब हमारा एमसीबी जो है ट्रिप होगा। और ये ट्रिप होने का जो है टाइमिंग भी है, ये टाइमिंग है हमारा 0.04 सेकेंड से 13 सेकेंड तक। दूसरा जो हमारा टाइप है एमसीबी का वो है हमारा सी टाइप एमसीबी। ये सी टाइप जो एमसीबी है ये इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और इंडस्ट्रीज में सी टाइप एमसीबी का यूज़ किया जाता है। ये सी टाइप एमसीबी में जब तक हमारे 5 to 10 टाइम्स करंट फ्लो नहीं होगा तब तक हमारा ये एमसीबी ट्रिप नहीं होता है। और ये ट्रिप होने का टाइमिंग जो है 0.04 सेकेंड से 5 सेकेंड के बीच में रहता है। इसके बाद जो हमारा एमसीबी आता है वो है डी टाइप एमसीबी। टाइप एमसीबी और भी ज़्यादा करंट को झेल सकता है, यानी कि 10 टू 20 टाइम्स। डी टाइप एमसीबी के ट्रिपिंग का टाइमिंग है 0.04 सेकेंड से 3 सेकेंड के बीच में। अब इसके बाद जो लास्ट आ जाता है के टाइप एमसीबी। ये के टाइप एमसीबी से जब तक 8 टू 12 टाइम्स करंट हमारा फ्लो नहीं होगा तब तक हमारा एमसीबी ट्रिप नहीं होगा। और इसका जो टाइमिंग है ये है हमारा 0.1 सेकेंड से भी कम। यानी कि ये के टाइप का एमसीबी जो है मोस्ट सेंसिटिव टाइप का होता है। अब गाइस, मैं आपको बी टाइप, सी टाइप, डी टाइप और के टाइप का यूज़ कहाँ कहाँ किया जाता है मैं आपको बता देता हूँ। ये जो बी टाइप का एमसीबी है, ये बी टाइप का एमसीबी का यूज़ जो है नॉर्मली लाइट्स के लिए किया जाता है, जो हम लोग घरों में यूज़ करते हैं, यानी कि कॉमर्शियल के लिए। दूसरा जो हमारा सी टाइप का है वो तो मैं पहले बता दिया, इंडस्ट्रियल पर्पज़ के लिए किया जाता है। डी टाइप का जो एमसीबी है वो यूज़ किया जाता है हमारा जो बड़े बड़े वेल्डिंग मशीन्स होते हैं उसमें। और हमारा लास्ट जो बच जाता है वो है के टाइप का एमसीबी। तो के टाइप का एमसीबी का यूज़ किया जाता है एक्सरे मशीन्स पे, यानी कि पैथोलॉजी में जो भी मशीन्स का यूज़ किया जाता है वो बहुत सेंसिटिव मशीन्स होते हैं। तो उसमें से जो है हाई अमाउंट ऑफ करंट अगर फ्लो होता है तो हमारा नुकसान हो पाता है, जिसके वजह से ये के टाइप का एमसीबी यूज़ किया जाता है। और ये के टाइप के एमसीबी में ही हाई अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होता है ये तुरंत 0.1 सेकंड से भी कम टाइम में जो है वो ट्रिप कर देती है, और हमारे जो सिस्टम लगा हुआ रहता है आगे में उसे आइसोलेट कर देती है। तो गाइस, मैंने अभी आपको जो बताया ये हमारे एमसीबी के टाइप्स था, इस्तेमाल किस तरह से किया जाता है, और ट्रिपिंग लेवल के बारे में बताया, ट्रिपिंग के कॉन्सेप्ट के बारे में बताया। तो गाइस, अगर आपको मेरे बताने का टेक्निक पसंद आ रहा है और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले जो भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड वीडियोज़ है उसकी अपडेट आपके तक बहुत आसानी से पहुँच जाए। तो गाइस, वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।